नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। भोपाल में अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ने और 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध ड्रग्स पकड़ने के मामले में मंदसौर पुलिस ने मालिया खेलखेड़ा गांव के तस्कर हरीश आंजना को गिरफ्तार कर गुजरात एटीएस को सौंप दिया। एटीएस पुलिस मंदसौर से हरीश आंजना को पकड़ कर ले गई है। मंदसौर में रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में जो ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसमें हरीश आंजना को आरोपी बनाया था। मंदसौर पुलिस ने जानकारी मिलते ही हरीश आंजना को गिरफ्तार कर लिया था और आज उसे गुजरात एटीएस को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी हरीश आंजना ने बताया कि मंदसौर के ही रहने वाले प्रेम पाटीदार से भी उसने अवैध ड्रग्स की सप्लाई ली है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य तस्करों के भी नाम सामने हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मंदसौर पुलिस ने हरीश आंजना नाम के जो आरोपी को गिरफ्तार किया उसके ऊपर पहले से कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसमें अफीम, जोड़ा चूड़ा और अन्य मादक पदार्थ तस्करी के मामले भी शामिल हैं। रोल सर, क्या पूरा मामला है? क्या नीचे कार्रवाई एडीएस की तबीयत में दिए कुछ आरोपों की गिरफ्तारी करी? एक मिनट, पहले सब स्टेबल तो हो जा भाई। हाँ सर, हो गया सर, हो गया सर। वापस स्टार्ट कर, पूछो। सर क्या पूरा मामला है? एटीएस ने दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बड़े मामले से ताड़ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसमें एक हरीश आंजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर किसी गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसीटिक एनहाइड्राइड, एचसीएल, ये जो ड्रग्स हैं या जो जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और जो और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर, आगे क्या कार्रवाई? अभी जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो जैसा कि गुजरात एटीएस ने सहयोग मांगा था, तो एक आरोपी हरीश आंजना है, मंदसौर पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया है। आगे जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। एक और आरोपी जो कि वांछित है अभी प्रेमसुख पाटीदार। अभी जो हरीश आंजना के खिलाफ चार आपराधिक रिकॉर्ड पहले से पंजीबद्ध है। अभी जो इसमें कुछ एनडीपीएस के अपराध हैं, इसमें जो नाहरगढ़ थाना में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसके अलावा ग्वालियर में एक अपराध एनडीपीएस का पंजीबद्ध हुआ है। तो इस तरह से और इसके अन्य जो दो एनडीपीएस के केसेस अभी तक जो है इसके जानकारी में आए। काफी लंबे समय से पूरा काम चल रहा था, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के भी कई जवान इसमें संलिप्त होना पाए जाने की शंका जाएगी। देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी ओपन है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो है जहाँ से भी संबंधित उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इसके कनेक्शन जो है सर मुंबई दिए और गुजरात और ईस्ट इंडिया से भी थे, तो क्या लगता है आपको सर, बड़ा रैकेट है उस मामले में क्या काम कर रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि इसकी एक जो जो अपराध है वो ग्वालियर में पहले पंजीबद्ध हो चुका है, जो कि जो जो नॉर्थ ईस्ट का आप बता रहे हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट जो 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 डोडा चुराया था उसके खिलाफ जो इसके इस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसके अलावा इसमें जो जो माल लाए गए हैं, जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से लाए गए हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स है वो कहाँ से लाए गए हैं, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कुछ जो प्रिकर्सर केमिकल जैसे मैंने बताया कि इसने गुजरात के वापी और अहमदाबाद से लाना बताया, बाकी जो अपन जो है इसकी जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, गुजरात एटीएस से भी सही संपर्क करेंगे, उसमें जो भी जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर वैधानिक कार्रवाई। मंदसौर से कुछ सामने आया है कि ये माल कहाँ से आ रहा था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसने जो है अभी जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें जो है हमसे बताया है कि प्रेमसुख पाटीदार उसको इसने कुछ माल जो है एमडी का वो बेचा है, बाकी इसके जो बाकी जो है इसके जो टेक्निकल एविडेंस है उसको गैदर करने के बाद फिर आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, हरीश आंजना ने जिन लोगों के नाम बताए हैं क्या उनको राउंड अप कर लिया गया? नहीं, अभी जो है जैसा मैंने बताया कि अभी उसने एक प्रेमसुख पाटीदार है जिसके बारे में बताया, कुछ लोग जो है सीमावर्ती राज्य राजस्थान के रहने वाले हैं उनके बारे में जो नाम बताया वो चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो उसको पुलिस जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई मंदसौर पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। इसमें सीमावर्ती राज्य जो राजस्थान है उसके प्रतापगढ़ जिला उनसे भी संपर्क किया गया और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। जा रहा है और आप लोगों को याद भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसके जमानत को
कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार मंदसौर पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी चार अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है, मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर चार अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है, और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था उसमें भी इसको पकड़ा गया। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था, इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने भी बताया कि एटीएस आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी, और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था, और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी सर, उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को बतानी पड़ी, बाहर की पुलिस आती और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले सर? जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है, और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है, एनसीबी भी लगातार काम कर रही है, और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई, और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की। हरीश के साथ आपके कितने लोगों का नाम आया सर, आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है, और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी, और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी इनके अवैध निर्माण पर। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से दो तो मुझे याद है कि दो केस जो एनडीपीएस मंदसौर पुलिस ने किया सर। हाँ, दोनों मंदसौर पुलिस। सर, ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे पोरवाल का नाम भी आया, और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों, और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी पार्टी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है, और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये जैसे ही जानकारी लेगी आपको बताया जाएगा। सर, ये हरीश आंदा के ऊपर एटीएस ने प्रोसीडिंग की है, क्या इसमें हरीश आंदा ही कभी और भी लोग हैं इसमें? अभी और पूछताछ चल रही है, और हम लोग जैसे जानकारी मिले। संपत्ति जो कमाई इन्होंने तस्करी के जरिए, क्या इसको भी आप नष्ट करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल, जैसे बताया गया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरीश आंजना के अलावा पुलिस की गिरफ्त में अब तक इस मामले से जुड़े हुए कितने लोग हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है, और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और आगे हम लोग जो 5 आरोपी आप इससे जुड़े हुए बता रहे हैं सर, उसमें कितने मध्य प्रदेश के और कितने राजस्थान के? अभी एग्जैक्ट अभी आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर, एक बात पूछना चाहूँगा, इस पूरे मामले में राजनीतिक कहने में इंटरफेयर होगा? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है राजनीति। सर, आपके रतलाम डिवीजन में कंटिन्यू एमडी के केस बने हैं सर, इसमें कितनी सप्लाई इसके द्वारा की गई थी सर, ऐसी कोई इनपुट मिले हैं क्या सर आपको? देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा सप्लायर पिछले कुछ माह में इस मालवा अंचल का हो गया था। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग की डिमांड बढ़ रही है, और जो नेचुरल ड्रग है जैसे अफीम वगैरह के जो ड्रग बनते हैं उसकी उसमें मांग घट रही है। तो इसी आधार पर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, और हम बाकी पुलिस से सहयोग लेके और जो भी ड्रग रैकेट इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारी और जवानों के भी मिलीभगत होने की चर्चा है, आप अगर ऐसी पाई जाती तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पहले बोला कि जिसकी भी मिलीभगत रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।